पीता है, पानी सिर्फ पौधों के लिए, हम सिर्फ बियर पीते हैं, सेव वाटर ड्रिंक बियर, दैट्स आवर मोटो। देखना सिलसिला आ रही है वो कमरा, चल वहां से वहां अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ महामीर और बात करते हैं जी हम अपनी चाची जी की। और चाची जी के हमारे दो नन्ने मुन्ने काका है ना, चुन्नू मुन्नू। हाँ जी, जो तो चाची के चुन्नू मुन्नू की बात करते हैं जिनका बर्थडे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो सुबह भी बर्थडे, तो शाम भी बर्थडे, तो कभी बहन केक लेके आ रही, तो कभी वो गोलगप्पा दोस्त केक लेके आ रही, तो कभी चाची केक लेके आ रही है ना। चाची के घर में तो केक की दुकान ही खुल गई है, बर्थडे ही नहीं ख़त्म हो रहा चाची जी का, तो चाची जी के बेटे मोगली का तो है ना। और चाची जी पसंद आपकी होती है, शॉपिंग आप कराती हैं, 2 साल की उम्र से एक ही दुकान से शॉपिंग करवा रही हैं है ना। और फाइनल डिसीजन भी आप ही का होता है, चाहे कपड़ों का हो चाहे लड़कियों का हो, है ना। क्योंकि आप तो खुद ठहरी एक औरत बाज आदमी, तो औरत बाज औरत है ना, और आपके बच्चे ठहरे एक औरत बाज लड़के, तो अच्छी अच्छी जोड़ी है। आपके बच्चे जो है ना वो आप पर ही गए हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है ये किसी को भी, क्योंकि आपके बच्चे भी जो है ना वो कपड़ों की तरह आप लड़कियां बदलने लग गए, कभी कोई गर्लफ्रेंड तो कभी कोई गर्लफ्रेंड तो कभी कोई गर्लफ्रेंड। और हाँ, आप क्या अपने नन्हे मुन्ने काका की बातें करती रहती है, मेरे बेटे ने रोज़ा रखा है, मेरे बेटे ने नमाज़ें पढ़ी हैं, मेरे बेटा तरावी पढ़ने जा रहा है। तो आपका बेटा तो दिन दिहाड़े जो है वो ठूसम ठासी भी कर रहा है, दिन दिहाड़े वो खाना भी खा रहा है, वो जूस भी पी रहा है, वो कौन सा रोज़ा है चाची जी जो दिन में ही उसने खोल लिया? ये बात पब्लिक को नहीं बताएंगी क्या आप? ये बात भी तो आपको बतानी पड़ेगी ना कि आपका बेटा ऐसे कौन से रोज़े रख रहा है जो दिन में ही खोल देता है वो अपना रोज़ा। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पिक्चर देखी है ना, जो ये मोगली जो है वो कुछ खा रहा है पी रहा है, तो वो वीडियो वो पिक्चर बिल्कुल सच है। और उनका बेटा जो है वो दिन दिहाड़े खाना खा रहा है, और ये चाची बोलती है कि मेरे बेटे के रोज़े चल रहे हैं। यार हमारे बच्चे इतनी छोटी छोटी उम्रों से रोज़े रख रहे हैं, मतलब 6-7 साल की उम्र से रोज़े रख रहे हैं। हमने आज तक अपने बच्चों को ऐसा लाड नहीं किया। और मैं क्या, मैं कोई अनोखी माँ नहीं हूँ, मुझ जैसी और भी कई सारी माएँ होंगी जिन्होंने कभी भी छोटी छोटी उम्र से बच्चे रोज़े रख रहे हैं, जिन्होंने कभी भी ऐसा नहीं बोला मेरे बच्चे ने रोज़ा रखा। हमारे भी बच्चे रोज़ाना तरावी पढ़ने जाते हैं, नमाज़ें पढ़ने जाते हैं, तो हमने कभी जिक्र नहीं करा। और क्यों करें भाई जिक्र, एहसान थोड़ी ना करने, हम तो अपने बच्चों को भी यही डांट के बोल देते हैं कि नमाज़ पढ़िए, रोज़ा रखा है, एहसान थोड़ी ना किया है भाई, है ना। लेकिन हमारी चाची तो ऐसा लगता है कि अपने बच्चों से ये एहसान करा रही है, पता नहीं दुनिया पे करवा रही है या अपने ऊपर करा रही है, अल्लाह बेहतर जाने कि किसके ऊपर ये एहसान करवा रही है। तो और ये बातें इनकी इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी इनकी बातें कि ये हो गया वो हो गया, मेरे बच्चे ऐसे, अल्लाह सबको ऐसे बच्चे दे, अल्लाह पाक किसी को इनके बच्चों जैसी औलादें ना दे, सच में ना दोस्त को दे ना दुश्मन को दे, किसी को ऐसी औलादें ना मिले जिनकी नज़र में ना माँ की इज़्ज़त ना बाप की इज़्ज़त और ना ही किसी और लेडीज़ की इज़्ज़त, और ऐसे बच्चे अल्लाह पाक कभी भी किसी को ना दे। और आजकल अभी आपको देखिएगा, अब आप आगे चल के जब सूरत वाले ब्लॉग देखेंगे ना, तो आपको सूरत वाले ब्लॉग के अंदर पहले तो नूडल गर्ल मिलती थी ना देखने को, नूडल गर्ल आ रही है जा रही है खा रही है, पर अब जो है ना वो ये लड़की मिला करेगी आप लोगों को देखने के लिए। क्योंकि ये लड़की को कल ही चाची ने अपने ब्लॉग में बोला है कि अभी हम सूरत जाएंगे तो तू चलेगी ना हमारे साथ, है ना। तो अभी ये लड़की आपको दिखा करेगी और मिला करेगी चाची से, और चाची जी अब इसको बोला करेंगे ये कोई होने वाली है, क्या पता अल्लाह का कुछ करना ऐसा हो जाए, अल्लाह का करिश्मा ऐसा हो जाए, है ना। तो चाची जी हमारी कुछ इस तरीके की बातें करेंगी। पता नहीं ये कैसी माँ है कि बच्चे रंग बिरंगी लड़कियाँ घर में लेकर आते हैं और ये ऐसे आने देती हैं। मैं शुक्र अदा करती हूँ या अल्लाह कि इस औरत की कोई बेटी नहीं है, इसकी बेटी 10 तरीके के आदमी लेकर आती और ये बेगैरत दोनों के दोनों ऐसे बेगैरत है ना कि अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड को भी ये इतनी शान से मिलवा रहे होते कि पता नहीं कौन आ गया इनके घर में जैसे ना, तो ये इस तरह मिला रहे होते। और ये बुड्ढा ऐसे मज़े से खाना खा रहा है, सच में इसको देख के इतनी घिन आती और इतना तर्स भी आता और इतनी चिढ़ भी आती, सच बोल रही हूँ।
कि ये जो है ना, ये कुछ करता कराता है नहीं, एक बोटी के ऊपर भी अपनी बेइज्जती करवाता है, और अभी देखो ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे घर का पूरा करता धरता जो है ना, पूरे घर का निज़ाम जो है वो इस बुड्ढे के बगैर चलता नहीं है, पूरे घर के खर्चे इस बुड्ढे ने चलाए हुए, इस बुड्ढे ने सारे काम किए हुए, ऐसे करके ना ये बुड्ढा इस घर में रह रहा है, जबकि कुत्ते जैसी ज़िंदगी है इसकी, कुत्ते जैसी। सच में आप कभी इनकी वीडियो पे, इनके ब्लॉग्स पर जो है वो थोड़ा सा गौर करके देखिए कि इनकी बातें ना कोई सुनता ना कोई मानता इनके घर में। बुड्ढे की बात कर रही हूँ मैं, इसकी कोई बात ना चाची मानती ना चाची के बच्चे मानते, कोई इनकी बात नहीं मानता, सब अपनी अपनी चलाते हैं। और ये बुड्ढा जो है ना बीच में जो है वो भी जमालोपना कर रहा होता है के बीच में जो है ज़बरदस्ती का कूदना, ज़बरदस्ती का बोलना और ज़बरदस्ती की बातें ही करता है। मतलब कोई इज्जत ही नहीं है इस शख्स की, और फिर भी ये शख्स जो है ना अपने पता नहीं क्यों इज्जत के दावे कर रहा है कि मेरी इज्जत ऐसी मेरी इज्जत वैसी, जबकि दो कौड़े की इज्जत कुत्ते वाली इज्जत है इसकी, इसके घर के अंदर। आप लोग खुद वीडियो में देखिएगा और नोट करिएगा। और इसके बेटे 100 बेगैरत मरे थे तब इसके बच्चे पैदा हुए थे ऐसा लगता है सच में, क्योंकि बगैरती की इंतहा कर दी है इसके बच्चों ने, रंग बिरंगी ये जो लड़कियां ला ला के, और लड़कियां भी पता नहीं कैसी हैं, देख रही हैं कि जब इसने पहले भी एक लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी तो आगे आगे हम थोड़ा खुद ही परहेज करें, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।